अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर तुसी तोतियां दे शौकीन हो ते तुसी अपने घर विच तोते या कोई भी परिंदे वगैरह रखे हुए ने तो उन्हां दी कैल्शियम दी कमी नूं पूरा करन लई तुसी अपने तोतियां नूं बाजारों कैल्शियम ब्लॉक लै के ते पांदे ही होवोगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लास्टर ऑफ पैरिस का बनया हुंदा है ते बाजार विच एक छोटे जे ब्लॉक की कीमत 50 रुपये होंदी है, जबकि वह ब्लॉक पूरी तरह तोड़े परिंदे की कैल्शियम की कमी नू पूरा नहीं कर सकता। लिहाजा अज मैं तुहानू घर विच नहायत ही मुफीद ते सस्ता कैल्शियम ब्लॉक बनाना सिखावांगा, जिन्हों खा के तोड़े परिंदे जल्दी हैल्दी ते सेहतमंद ब्रीड देना शुरू कर देंगे। ते मजे की गल ऐ वे कि घर च बने एक कैल्शियम ब्लॉक की कीमत तुहानू 10 रुपये पवेगी, जो कि बाजार के कैल्शियम तो 1000 गुना अच्छे रिजल्ट देगा। बस एनू बनाने लई थोड़ी सारी मेहनत की जरूरत है। चलो फिर असी हुण कैल्शियम ब्लॉक बनाना शुरू करने हैं। कैल्शियम ब्लॉक बनाने लई जो जो चीज़ा चाहिए ने तुसी सब तो पहले वह नोट कर लो। 1 किलो प्लास्टर ऑफ पैरिस, जो कि तुहानू किसी भी पेंट वाली शॉप तो आसानी नाल मिल जाएगा। 10 तो 15 अंडिया के छिलके, जो कि तुहानू किसी भी बर्गर या शवारमे वाली दुकान तो आसानी नाल ही मिल जाएंगे। 1 चटाकी मुल्तानी मट्टी, जे मुल्तानी मट्टी नहीं लभदी तो फिर गाची का इस्तेमाल भी कर सकते हो। 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच काला नमक या फिर चिट्टा नमक जिहड़ा असीं घर विच आम इस्तेमाल करने हैं, थोड़ा सारा लकड़ी का कोयला, पुराना गुड़ 50 ग्राम, कैल्शियम पीस सिरप या फिर कोई भी कैल्शियम सप्लीमेंट तुसी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं EVN कैप्सूल यूज करांगा। 10 डिस्पोजिबल गिलास ते इस तों अलावा लोहे की वायर, 50 ग्राम समुद्री झग जिन्हों इंग्लिश विच असी कटर फिश बोंड भी कहंदे आ। लो जी बाबा जी, इनग्रीडियंट्स साढ़े पूरे हो गए ने, मतलब साड़ियाँ चीज़ा पूरिया हो गई ने। हुण साड़ियाँ जिहड़ियां चीज़ा पीसन वालियां ने उन्हां नूं असी दोरी डंडे विच पीस लैना वे, जैसा कि अंडिया के छिलके नूं असी दोरी डंडे विच पीस लैना है। इस तरह ही समुद्री झग, गाची के लकड़ी के कोयले नूं भी असी दोरी डंडे विच पीस के पाउडर फॉर्म च लै आना वे। फिर असी गुड़ पानी च पा के शरबत बना लेना वे, तो एदे विच कैल्शियम पी दे 4 चम्मच पा लेने ने। फिर असी एक बर्तन च प्लास्टर ऑफ पैरिस पा के बाकी सारे इनग्रीडियंट्स भी विच पा के अच्छी तरह हाथ नाल या चम्मच नाल मिक्स कर लेने ने। मिक्स करन तो बाद इन्हां विच असी गुड़ ते कैल्शियम पी वाला पानी पा देवांगे, तो फिर चमचे नाल अच्छी तरह हिला के इस मिक्सचर नूं हुण असी डिस्पोजेबल गिलासां विच पा के विच वायर लगा देवांगे, ताकि असी इन्हां ब्लॉक्स नूं खुश्क होण तों बाद आसानी नाल अपने परिंदियां दे केज विच लगा सकीए। हुण इन्हां ब्लॉक्स नूं खुश्क करन तों बाद असी अपने केजिस विच लगा सकने हां। याद रहे, बेहतरीन रिजल्ट लई तुसी एना ब्लॉक्स नू एक पूरा दिन धुप जरूर लगवा लवो। इंशाल्लाह एना ब्लॉक्स नू खा के तोड़े परिंदे बहुत अच्छी ब्रीड देंगे ते बच्चियां दी सेहत भी बहुत अच्छी ते तंदुरुस्त बच्चे पैदा होंगे। बाकी बाबा जी एदे नाल ही मन्नू दे इजाजत। अगर तुसी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ी मेहरबानी, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करियो।